ये वीडियो क्रिएट करने का एक सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि आपका बहुत सारा थॉट होगा जो जुजुत्सु काइसेन के बारे में आपको डिटेल्स शायद ही ना पता हो। तो जितने भी डिटेल्स आपको नहीं पता थे वो मैं सारा का सारा क्लियर करूंगा। फॉर एग्जांपल, जुजुत्सु काइसेन अभी के टाइम में जो मांगा का जो पूरा का पूरा कॉमिक का पूरा यूनिवर्स है उसमें ये कौन से एपिसोड या कौन से वॉल्यूम तक पहुँचा है, और जो आपने देखा था गोजो का डेथ देखा था वो आपको कौन से सीज़न में देखने को मिलेगा वो मैं बताता हूँ। सीज़न 3 में देखने को मिलेगा, नेक्स्ट ही सीज़न में गोजो का डेथ हो जाएगा, ये उसी में देखने को मिलेगा। मैं कोई ऐसे स्पैम वगैरह नहीं दे रहा हूँ, कोई ऐसे फेंक नहीं रहा हूँ भाई। अगर हो सकता है ये सीज़न 4 में चला जाए, पर मोस्ट प्रोबेबली ये सीज़न 3 के एंड में आपको देखने को मिल जाएगा गोजो का डेथ। और मैं ये पूरा डिटेल जो है पूरा का मतलब जितना भी आपका डाउट होगा दिमाग में वो सारा क्लियर करने वाला हूँ इस सिंगल वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं फिलहाल के टाइम में जो एनिमी है इसने कितना पोर्शन कवर किया है। तो अभी तक इसने वॉल्यूम 16 कवर किया है मांगा का, और ये सिर्फ वॉल्यूम 25 तक बना है। जो मतलब मांगा में अभी जितना कुछ चल रहा है वो वॉल्यूम 25 है, और ऑलरेडी जो मांगा है उसने डिसाइड किया है कि अब वो जुजुत्सु काइसेन के एंड पे पहुंच रहे हैं, मतलब वो इसको ख़त्म करने वाले हैं। मतलब आपको सीज़न 3 या 4 के बाद और देखने को नहीं मिलेगा। सीज़न 4 में भी मोस्ट प्रोबेबली लास्ट हो सकता है सीज़न 4। तो बात करते हैं कि अभी देखो, अभी जो ये ख़त्म हुआ है ना सीज़न 2, इसने 16 वॉल्यूम कंप्लीट कर लिया है। अभी जो सीज़न 3 आएगा उसका जो एक्सपेक्टेड है वो है 17 से 25 वॉल्यूम तक कवर करेगा, और मांगा ने अभी तक सिर्फ 25 ही वॉल्यूम बनाए हैं। तो 25 वॉल्यूम में जब पहुंचेगा तब तक आपने देख लिया होगा गोजो का डेथ। मेगुमी फुशीगोरो जो है उसके ऊपर अब सुकुना का कंट्रोल आने वाला है, बिकॉज वो यूजी इतादोरी को छोड़ने वाला है। छोड़ेगा क्यों? बिकॉज वो उसके बॉडी पे फुल कंट्रोल नहीं ले पाता, जिसके वजह से सुकुना को छोड़ना पड़ता है, और लास्ट में फुशीगोरो जो कि यूजी का दोस्त था उसके बॉडी में चला जाता है। वो उसको बेस्ट होस्ट लगता है, और फिलहाल के टाइम में अगर आप कॉमिक्स में झांक के देखोगे तो वो अभी तक फुशीगोरो के बॉडी के अंदर ही है, वो यूजी के अंदर नहीं आया है। बिकॉज उसको डर भी है कि भाई यूजी जो है उसको पूरा पावर कंट्रोल करने नहीं दे पा रहा, और उसी के साथ वो फुशीगोरो के जब बॉडी में है तो उसको ऐसा लगता है कि भाई इसका बॉडी भी उतना स्ट्रांग नहीं है, तो मेरे को इसका बॉडी भी छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें अभी वो चल रहा है, इतना कॉमिक्स में चल रहा है, और ये ही मेरे ख्याल से आपको लास्ट में उसमें दिखाया जा सकता है, या तो गोजो का जो डेथ होता है वहाँ पर ये लोग एंड कर सकते हैं थर्ड सीजन को। और उसी के साथ साथ आपने गेटो को भी देखा होगा, जिसके बॉडी को केंजाकू ने पूरा हाईजैक करके रखा है, बॉडी को पूरा कंट्रोल कर रखा है, तो वो आपको देखने को मिलेगा कलिंग गेम आर्क में। और ये जो थर्ड सीजन है उसका नाम रखा गया कलिंग गेम आर्क, और भाई एक्सपेक्टेड तो है कि इसमें ये लोग वॉल्यूम 25 तक जाएं, बिकॉज अभी तक उन्होंने बोला है कि वॉल्यूम 25 तक चले जाएंगे। तो अब देखते हैं कि ये लोग कहाँ तक जाके पहुँच पाते हैं, क्या ये पूरा कवर करेंगे या थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे ताकि ये सीज़न 5 तक पूरा का पूरा एक्सटेंड करके लेके जा सके। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो, आपके जो भी डाउट्स थे वो मैंने क्लियर किए हों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। और बता रहा हूँ कि कुछ और पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। मैंने बस आपका इतना डाउट क्लियर किया है कि अभी ये जो फिलहाल ये जो वेब सीरीज़ है, ये जो मतलब एनिमे सीरीज़ है, ये कहाँ तक पहुँचा है मांगा के कंपैरिजन में, वो मैंने पूरा क्लियर कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए। और हाँ, एक चीज़ याद आ गया कि इसने अब तक कितने फिंगर खाए हैं, तो ये इसने 15 फिंगर खा लिए हैं। किसने? यूजी ने। ठीक है, 15 फिंगर का पावर उसमें आ चुका है, और 5 फिंगर का पावर अभी बचा है, 20 फिंगर इसको खाने होते हैं, तो बस अब और 5 फिंगर बचा है। तो देखते हैं अब आगे वाले टाइम में ये सीज़न 3 में कब तक कहाँ तक इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।